गाइज यार आज करने को कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ टीवी देख लेता हूँ, कम से कम पता तो चले शहर में क्या चल रहा है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, लॉस सैंटोस में आ गया है एक आइस टाइटन जो कि बहुत खतरनाक है। कुछ भी, ये फुटेज तो पिछले साल का है, इनके पास दिखाने को कोई न्यूज नहीं होती ना, तो कुछ भी बता देते है। ओ एक मिनट, अबे यार ये तो सच्ची में आइस टाइटन है, कितना बड़ा है यार ये। पता नहीं शिनचान और चॉप को इसके बारे में पता होगा भी या नहीं। एक काम करता हूँ मैं जाके बता देता हूँ, वो लोग यही नीचे होने चाहिए। अबे यार इतना चल के कब जाऊंगा, यही से शॉर्टकट लेता हूँ। शिनचान चॉप कहाँ पर हो? अरे यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया। गाइस यार आवाज तो यही से आ रही है, रुको वही पर मैं आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी जाते हैं। ये रहे दोनों जन, ये तो पहले से ही टाइटन को देख रहे हैं। शिनचान देखा तूने ये कितना बड़ा है, अगर ये शहर के अंदर आ गया तो बबाल हो जाएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ फ्रैंकलिन भैया शिनचान एकदम सही बोल रहा है, आप टोनी भैया को कॉल करो। वैसे बोल तो तू सही रहा है, जल्दी से कॉल लगाता हूँ। हेलो टोनी मेरी बात सुन। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। तूने न्यूज में देखा लॉस सैंटोस में आइस टाइटन आ गया है? हाँ मैंने देखा, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, तुम्हें लावा टाइटन के पास जाना होगा। क्या तुमने एकदम सही सुना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है शिनचान चॉप मेरी बात सुनो, हमें जाना है लावा टाइटन से मिलने। गाइस यार मेरी तो ऐसे ही फट रखी है, जल्दी जल्दी चलो यार, फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक तो ये दोनों जन इतने ढीले है ना, अरे ये लो मैं बैठ गया। चॉप भाई तू भी आ जा। शिनचान जब मैंने बाजू वाला दरवाजा खोला था तो तू पीछे क्यों बैठा? अरे क्योंकि आज मेरे पीछे बैठने का मन था। वैसे फ्रैंकलिन भैया वो लावा टाइटन रहता कहाँ पर है? चॉप यार वो तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर आप कहाँ पर जा रहे हो? टोनी ने जो लोकेशन भेजी है ना मैं वहीं पर जा रहा हूँ, हमें वहाँ पर जाके ढूंढना है उसे। अच्छा ऐसा क्या, फिर तो हमें वहाँ पर संभल के रहना होगा। तुम दोनों तो दूरी खड़े रहना, मैं जाके उससे बात कर लूंगा। हाँ हाँ हमें तो कोई शौक भी नहीं है आने का। तो गाइस यार लोकेशन पर हम लोग पहुँच गए, ये पूरी जगह घूम लिया हूँ मैं, यहाँ पर बस एक ही घर दिखा है, मुझे लगता है लावा टाइटन इसके अंदर होना चाहिए। तुम दोनों यहीं पर रुको मैं जाके आता हूँ फटाफट। गाइस यार अंदर जाने में डर लग रहा है पर जाना तो पड़ेगा। ओ ये क्या, ये तो सो रहा है? अबे यार अब मैं इससे बात कैसे करूंगा, अगर इसको जगाया तो ये गुस्सा हो जाएगा। जरा देखो तो सही, इसने अपना साइज पहले से कितना छोटा कर लिया है। लावा टाइटन कौन है जिसने मेरी नींद बिगाड़ी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गाइस यार ये तो भड़क गया, भागो भागो भाई। शिनचान चॉप यहाँ से निकलो फटाफट, वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। चलो यार गाइस उसके घर से दूर तो आए। अबे नहीं नहीं ये तो हमारे पीछे पीछे आ गया। अरे लावा टाइटन मेरी बात सुन ले, मैं किसी काम से आया हूँ। आउच यार, अरे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सुन तो सही। अबे यार ये तो मारते ही जा रहा है। गाइस यार सारी हड्डियां तोड़ दी इसने। सुन 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 मैं तेरे पास आइस टाइटन को हराने के लिए मदद मांगने आया हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो पहले बोलना चाहिए था ना। बोल तो रहा था पर तूने मौका ही का दिया। अच्छा ठीक है बोलो। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ, आइस टाइटन लॉस सैंटोस में आ गया है और हमें डर है कि वो पूरे शहर को ना मिटा दे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं रिटायरमेंट पे हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ जिससे तुम उसे हरा दोगे। अच्छा ठीक है वो भी चलेगा। पता नहीं गाइस कौन सा सूट मिलेगा। हो ये तो पूरे पत्थर का बना हुआ है और बहुत ही यूनिक है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया आपको बचाने। वाह यार शिनचान बहुत जल्दी नहीं आ गया। अरे वाह आपने तो सूट पहन लिया। अरे क्या करूँ ये बोल रहा है मुझे ही करना पड़ेगा, वैसे सूट में पावर तो है ना। तुम इस सूट को अपग्रेड कर सकते हो टाइटन शॉप से। अच्छा अच्छा ठीक है शिनचान चॉप में जा रहा हूँ, तुम लोग घर पर चले जाना। गाइस यार फटाफट जाते हैं यहाँ से क्योंकि अभी हमें ये भी सोचना है कि पैसे कैसे जमा करें, पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। गाइस यार आपके बारे में तो मैं नहीं जानता लेकिन रियली मुझे स्कूल में पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बेशक मैं बहुत ज्यादा गलत था क्योंकि कोई भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन जिस नॉलेज से आप अर्न कर सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये जानते हैं कि ट्रेनिंग के लिए पहले आपको पे करना होता है और लॉन्ग ट्रेनिंग के बाद ही आप अर्न कर सकते हो, पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी कर सकते हो और साथ ही में आपको अपनी फर्स्ट अर्निंग को अर्न करने में 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग चैनल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है मेगा ट्रेडर्स। ये सिर्फ बिनोमो प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करके कमाते हैं। मैंने इस चैनल को कुछ महीने पहले ही सब्सक्राइब किया था और अब मैं इतना सीख चुका हूँ कि ट्रेडिंग करना कितना आसान है अगर कम्युनिटी का सपोर्ट हो तो। फेलियर बिना सफलता इम्पॉसिबल है, तो हार भी ठीक है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर 700 रुपए के साथ 70,000 कमाने का भी मौका है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स में शामिल हो जाओ और देखो पैसे कैसे अर्न करते हैं। जस्ट चेकआउट द ट्रेडिंग कंपनी। अब रोज 5-10 मिनट सीखिए और रोज का 1,000 रुपए तक अर्न करो ट्रेडिंग कंपनी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक मिनट यार ये शोर शराबा कैसा। ओह रेड कार्पेट, यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई, पक्का
का कोई सेलिब्रिटी आया होगा। जल्दी जल्दी जाके देखते हैं, मैं भी ऑटोग्राफ वगैरह ले लूंगा। अबे ये तो स्पाइडरमैन है, ये तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है। चलो अपने को क्या, अपना तो दोस्त है। हे स्पाइडरमैन, कैसे हो? तुम कौन हो भंगार की शक्ल के और मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे की? ये ले। गाइस यार इसको हो क्या गया है? ये देखो गाड़ी से भी टकरा गया, इसके साथ पक्का कुछ तो बुरा हुआ है, वरना स्पाइडरमैन तो बहुत अच्छा था यार। अगर पता लगाना है तो उसके पीछे जाना होगा। जल्दी जल्दी जाते, एक तो भाग भी कितना स्पीड रहा है वो, काफी ज्यादा दूर नहीं निकल गया। कोई बात नहीं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अबे इसने तो यहाँ से टर्न ले ली। गाइस एक काम करता हूँ, शॉर्टकट मार के जाता हूँ, वरना वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। कहीं किसी ने उसका ब्रेन वॉश तो नहीं कर लिया? वो इसी साइड गया था। वो रहा, एक मिनट, आइस टाइटन ये स्पाइडरमैन के साथ क्या कर रहा है और स्पाइडरमैन उन दोनों के साथ क्या कर रहा है? ये तो गन तान के खड़ा है। मेरी बात सुनो, इन दोनों को खत्म कर दो, ये अब हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे अभी जाना चाहिए या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस तुम दोनों तो गए, ये गया पहला और ये गया दूसरा। अबे यार स्पाइडरमैन ने तो उन्हें सच्ची में मार दिया, अब तो उसे छोड़ूंगा नहीं। कहां गई ये दोनों? आइस टाइटन का पता नहीं, पर वो भाग रहा है स्पाइडरमैन, मुझे उसका पीछा करना होगा। रुक जा, कहां तक जाएगा मैं भी देखता हूँ। ये ले। अबे यार नहीं नहीं नहीं, वो तो गाड़ी चालू करके निकल गया। एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक गाड़ी है, इससे उसका पीछा करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कहां तक भागता है। मैं आ रहा हूँ स्पाइडरमैन, तूने बहुत बुरा किया। गाइस यार अभी तक मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि स्पाइडरमैन ने दो जन की जान ले ली, उस आइस टाइटन ने इसका माइंड वॉश कर लिया है। मुझे स्पाइडरमैन को बचाना होगा, वो जा रही है उसकी गाड़ी। गाइस हम लोग काफी ज्यादा नजदीक है, बस ऐसे उसका पीछा करता रहता है। अगर पकड़ नहीं पाया तो कम से कम पता तो चलेगा कि जा कहां पर आए। अब ये थोड़ी ज्यादा स्पीड चलाने लग गया है। कहां गायब हो गया यार, ये कैसी आवाज थी? एक मिनट, वो तो हमारे ऊपर आ गया। लगता है इसको पता चल गया होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा पीछा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? स्पाइडरमैन तू ये सब क्या कर रहा है यार, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? गाइस इसको कैसे भी नीचे उतारना होगा। एक काम करता हूँ, गाड़ी जोर से ठोकता हूँ। ये ले। अब तो नीचे उतर जाना ही चाहिए। देखा गाइस काम कर गया, वो यही कहीं पर गिरा होगा, पर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। मुझे लगता है गाइस भाग गया। चलो कोई बात नहीं, उसे तो मैं वापस से पकड़ लूंगा। एक मिनट, ओ भाई साहब ये तो यही पर है, अभी भी छुप के हमें देख रहा था। इसने क्या उल्लू बनाया हमें? एक तो ये सूट इतना ज्यादा भारी है ना, क्योंकि पूरे पत्थर का है। एक तो इसमें कोई पावर नहीं है यार, मैं उसको कैसे हराऊंगा? और ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओ आउच आउच आउच, यार कोई तो आ जाओ बचाने। टोनी गाइस आयरन मैन आ गया, अब तो स्पाइडरमैन नहीं बचेगा। अबे टोनी क्या कर रहा है, मदद करना, ये मुझे मार रहा है। स्पाइडरमैन मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तू क्या चाहता है, ये मुझे खत्म कर दे? देख रहा है मुझे कैसे पटक रहा है? आउच भाई, हालत खराब हो गई है, मुझे लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। ये लो। ये हुई ना बात। चलो गाइस टोनी फॉर्म में आ गया है, मुझे तो लगा था खड़े खड़े मेरी मौत का तमाशा देखेगा, पर अभी हमारी मदद कर रहा है। बस स्पाइडरमैन थोड़ा सा भारी भी पड़ रहा है इस पर। गाइस यार हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? नहीं मुझे नहीं लगता, वैसे भी हमारे पास कोई पावर नहीं है। और अभी तो टोनी अच्छे से संभाल रहा है, ऐसे ही मार लगे रहे। मारना पड़ेगा स्पाइडरमैन को भी, बार बार रुक जाता है। टोनी रुकना मत, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, इतना ढीट है यार। ओ अबे यार मुझे लपेटे में क्यों लिया, देख के तो चला। तुम थोड़ी देर साइड में जाके खड़े हो जाओ, ये जगह ठीक रहेगी गाइस। और ये गया स्पाइडरमैन। टोनी यार तूने कमाल कर दिया, जरा देखो तुम सही, इसकी तो बैंड बज गई है यार। बेचारा स्पाइडरमैन, जब इसे होश आएगा ये ठीक हो जाएगा। टोनी यार अगर तुम नहीं आते ना तो ये तो मुझे मार ही देता। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने ही आया था, तुम इतना बड़ा काम जो करने निकले हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। थोड़े बहुत पैसे मिल सकता है तो ठीक है, वरना तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है, बताओ कितने चाहिए? $1,00,000। इतना शर्माओ मत, ये लो। अरे यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस यार टोनी ने हमें $1,00,000 दे दिए, एक तो बचाने भी वही आया था और पैसे भी उसने दिए। चलो देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट होगा। ये खोला मैंने मार्केट और ये बाय, हम लोग एक मिनी लावा टाइटन बन गए। गाइस कितना कूल लग रहा है, पहली बार मैं मिनी लावा टाइटन बना हूं। अबे यार फोन वाइब्रेट हुआ, ये तो एक मैसेज है। क्या लिखा है? लॉस सैंटोस में होने वाला एक रैम चैलेंज, जो भी जीतेगा उसे मिलेंगे $500,000। ओ गाइस क्या बात है यार, हमें वहां पर जाना चाहिए। जल्दी जल्दी जाता हूँ भाग के, अगर हम लोग वो जीत गए तो हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, यही वाली गाड़ी लेके जाता हूँ, क्योंकि वो लोकेशन बहुत ज्यादा दूर है, पर चल के तो मैं जाऊंगा नहीं ना। अगर बड़ा वाला टाइटन होता तो बात अलग, एक ही कदम में वहां पर पहुंच जाता। चलो यहाँ से लेफ्ट लेना है, गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलाना पड़ेगा। अब गाइस भगाते इसको और जल्दी वहां पर पहुंचते हैं। देखो गाइस हम लोग लोकेशन पर तो पहुंचने ही वाले हैं, ये रही। तो गाइस जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं। देखो वह सामने एक लिफ्ट है जो हमें सीधा वहां पर पहुंचा देगी। भागो 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 और जाओ सीधा लिफ्ट में, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। चलो गाइस ये मैं हो गया अंदर खड़ा और हम लोग पहुंच गए ऊपर। सामने जो खड़ा है ना, मुझे लग रहा है वही ऑर्गेनाइजर है। अरे दादा जल्दी से बता दो रूल्स वगैरह क्या है। हाँ हाँ बच्चे बता रहा हूँ, तुम्हें ये रैंप करनी है 3 अटेम्प्ट में। अच्छा ठीक है गाइस, यार जल्दी से चलते उसके पास, मतलब गाड़ी के पास, और जाकर बैठते उसमें। अब हमारा रैंप शुरू
शुरू होने ही वाला है। थोड़ा सा डर लग रहा है पर मुझे लगता है मैं कर दूंगा। ओ ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं है, यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा नीचे। ऐसा लग रहा है रोलर कोस्टर पर बैठा हूँ, पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास बस 3 चांस है। और ये मैं चला, आप लोग देख रहे हो हम लोग कितनी हवा में यार। अगर गलती से भी चूके ना तो सीधे नीचे जाएंगे। थोड़ी सी टनो वरना हम लोग टकरा जाते। अब यार हमारी गाड़ी उल्टी, ओ भाई ये क्या हो रहा है। ओ चलो कोई बात नहीं गाइस, हमारी गाड़ी सीधी हो गई। अब यहाँ से भी आगे बढ़ना है। अच्छा हुआ मैं वहाँ पर गिरा नहीं वरना हमारा एक चांस चला जाता। आगे बहुत सारे टायर लगे, मुझे लगता है इन सबके बीच में से होके मुझे जंप करनी है। सो गाइस 1 2 3 ओ प्लीज पहुंच जा। और ये लैंडिंग गाइस, यार हमने तो कमाल कर दिया। अब यहाँ से मुझे नीचे जाना है सीधा। आप लोग देख रहे हो एक तो ऐसी जगह और बीच में ब्लेड लगे हुए हैं। चलो एक तो गया बार ये दूसरे की, बीच में तो इतना बड़ा बड़ा गैप है, अगर नीचे गिरे तो सीधा नीचे ही जाएंगे। बस 2-3 ब्लॉक बाकी है। आप सामने देख रहे हो, ओ भाई साहब सामने देखने के चक्कर में गाइस पीछे के लग गए। अभी वापस से बोलता हूँ, वो सामने देख रहे हो ऐसा लग रहा है एक मोटा सा आदमी हाथ फैला के अपना स्वागत कर रहा है। ओ भाई 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 गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक तो इतनी सारी बॉल बीच में और ये बहुत ज्यादा हैवी होती है। चलो साइड से होके निकलना है या फिर इनको धक्का दे देता हूँ, नीचे गिर जाएंगे और क्या, हम लोग नीचे ना गिर जाए बस। थोड़े से बाकी है गाइस फिर हमारा स्ट्राइक हो जाएगा। ओ ये क्या हो रहा, क्या बचा मैं, अभी तो सीधा नीचे जाता। यहाँ थोड़ा आराम से काम लेना पड़ेगा गाइस, थोड़ा आगे पीछे। और ये हम लोग चले धीरे। एक तो इतनी सारी बॉल्स है ना यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलो गाइस हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंजिल के काफी ज्यादा नजदीक है, अब यहाँ पर आके हार नहीं मानेंगे। अबे यार ये ऊपर हो गया फिर से, चलो कोई बात नहीं, अब बस 2 ऐसे बाकी है, एक और गया। हो जा मेरे भाई। अब यार चलो कोई नहीं। और कितना दूर है यार, ये रैम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, आप लोग देख रहे हो। ओ सीधी हो जा। ऐसा लगा मैंने कोई स्टंट किया है। अब यहाँ से फिर एक बड़ी जंप हो सकती है। ओ मजा आ गया यार, एक तो ये रास्ता पतला है, अगर थोड़ा भी राइट लेफ्ट होता तो पक्का नीचे गिरते। देखो फिनिश लाइन आने वाली, और सबसे अच्छी बात तो ये कि मैं अभी तक एक भी बार गिरा नहीं हूँ, हमारे पास 3 चांस थे। और गाइस ये हम लोग जीत गए, क्या बात है यार। अब हमारे पास होंगे पूरे $5,00,000। जल्दी जाके प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। ये क्या शिनचैन भी आया हुआ है यहाँ पर, लगता है मुझसे पहले वही ट्राई करने आया होगा। अब उससे मिलने का टाइम नहीं है, फटाफट से सूट चेंज करता हूँ। तो गाइस ये खोला मैंने मार्केट और ये रहा $5,00,000 वाला सूट, बाय। ये काफी तगड़ा लग रहा है यार, चलो चलते हैं यहाँ से। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ जिससे मैं पैसे कमा सकूँ। एक मिनट, इसका कॉल है। टोनी फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, आइस टाइटन ने कैप्टन के साथ कुछ किया है जिससे वो पागल हो गया और उसने उल्टी सीधी हरकतें कर दी, अब उसे पुलिस उठा कर ले गई है, तुम्हें उसे जेल से छुड़ाना होगा। अच्छा ठीक है। गाइस यार क्या प्रॉब्लम है, एक काम करता हूँ ये गाड़ी लेके जाता हूँ। कैप्टन अमेरिका को पुलिस ने उठा लिया, बेचारे ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, ये आइस टाइटन तो आया है तब से गड़बड़ी करवा रहा है सब कुछ। हमें यहाँ से सीधा जेल जाना होगा, मतलब के वैसे नहीं कैप्टन अमेरिका को छुड़ाने, जेल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। चलो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, मुझे सीधा जेल के अंदर जाना होगा, यही से गाड़ी जम करवाता हूँ। भाई प्लीज पहुंच जाओ। यार चलो गाइस इसी बहाने जेल में तो पहुंचे और अच्छा खासा स्टंट भी हो गया। हालत खराब हो गई यार, अब हमें जाके कैप्टन को ढूंढना है, पर पहले तो यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी होगी, उन सबको हटाना पड़ेगा। इतने सारे क्रिमिनल, ऊपर से ये गार्ड, इनकी तो मैं ये ले। ओ गाइस इन्हें मारने के पैसे मिल रहे, जल्दी मारते तेरी तो, अब इसकी बारी। ये भी गया, अच्छे खासे पैसे मिल रहे यार, यहाँ हमारा काम हो जाएगा। थोड़े बहुत और बाकी इनको भी निपटाते, ये देखो मुजरिम भाग रहे। चलो गाइस मुझे लगता है मैंने सबको निपटा दिया, अब जल्दी से जाते कैप्टन के पास। ये देखो 2 जन उस पर गन साथ के खड़े, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा भरोसा करो, अपना मुंह बंद रख वरना गोली मार देंगे। गाइस यार ये लोग तो इसको धमकी दे रहे हैं, इनकी तो अभी मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। और ये लो, एक मासूम आदमी को परेशान करते हो। चलो गाइस मुझे लगता है ये दोनों तो गए। कैप्टन जल्दी से बाहर आ जा, हमें अभी कभी निकलना होगा इससे पहले और पुलिस आए। ये आवाज तो कहीं सुनी हुई लगती है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अबे यार मैं फ्रैंकलिन ही हूँ, मैंने खाली सूट पहना है, कभी और ये स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत लंबी है, फिलहाल यहाँ से बाहर निकल। चलो गाइस सेल से तो बाहर निकल गए, अभी जेल से बाहर निकलना है, इस साइड नहीं उधर से चलो, वह एग्जिट है। अच्छा ठीक है। गाइस यार उसने बोला यहाँ से चलने। ओ यहाँ पर तो एक पुलिस की गाड़ी है और पुलिस वाला भी, तेरी तो ये ले। हाँ नहीं तो चलो जल्दी से, इससे पहले कि और पुलिस आए। गाइस यार जेल से मुझे अलग डर लगता है।
एक मिनट, ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जमीन हिली। फ्रैंकलिन जरा वहाँ देखो सामने, ओ एक आइस स्केलेटन आर्मी। ये पक्का उस आइस टाइटन का काम होगा। गाइस इन्हें जल्दी जल्दी खत्म करना होगा हमें। तेरी तो ये ले, इन्हें मारने के भी पैसे मिल रहे यार। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी तो मैं ऐसी की तैसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले लात खा। अरे अरे बहुत बज रहा है। ये तो बहुत सारे यार, एक साथ थोड़े थोड़े ज्यादा निपटाता हूँ। अब ये ले, क्या लग रही होगी इनको। अरे यार क्या मचमच है तेरी तो। मैं ये ले, एक साथ सारे के सारे अभी तक नहीं गए। एक बार फिर से, इस बार तो पक्के गए होंगे। गाइस देखा, और हमारे पास पूरे $1,000,000 जमा हो गए। चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ से निकलते फटाफट। तुम तो बहुत डरपोक हो यार कैप्टन, गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले। अरे वो मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई नहीं मैं समझता हूँ। तुम तो समझोगे ही ना, तुम तो बहुत बार जेल जा चुके हो। एक तो मैंने तेरी जान बचाई, ऊपर से तू मुझे टॉन्ट मार रहा है। वापस उनको देके आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अरे इतना क्यों डर रहा है, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। देख हम लोग टोनी के पास पहुंच गए। जल्दी से गाड़ी को रोकते हैं। गाइस उतर जा कैप्टन, फटाफट जाते हैं अंदर। टोनी में आ गया और मैंने कैप्टन को बचा लिया। वाह तुमने तो कमाल कर दिया है। अरे कोई नहीं वो मेरा भी तो दोस्त है, इतना तो करना मेरा भी बनता ही है। पर भाई अभी उसके बातों में मत आना, वरना फिर पुलिस उठा कर जाएगी। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चलो गाइस यार अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। हमारे पास $1,000,000 भी तो है, हमें जाके सूट चेंज करना है यार। जल्दी से देखते कि $1,000,000 में हमें कौन सा सूट मिलेगा। ये खोला मैंने मार्केट और ये बाय। ये तो काफी लंबा चौड़ा है यार, और इस वाले टाइटन को बाल है। अब टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, बस मुझे ये नहीं पता कि मैं करूंगा क्या, क्योंकि हमें और पैसे चाहिए, वरना हम लोग अपना सूट अपग्रेड कैसे करेंगे। वो जरा देखो तो सही, सामने कोई तो खड़ा है। साइमन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी से उतरता हूँ। क्या हो गया भाई, कोई टेंशन है? अरे यार बहुत बड़ी टेंशन है, तुमने पिछली बार जो मुझे गाड़ी बेची थी वो कोई चुरा के लेके गया, और जब मैंने CCTV फुटेज चेक की तो देखा कि वो चोर तो थोर था। वो चुपके से रात को मेरे गैराज में आया और वो गाड़ी वहाँ से चुरा कर भाग गया। तुम्हें वो गाड़ी मुझे वापस लाकर देनी होगी, तो मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो गाइस कुछ तो करने मिला। और आप लोगों ने एक चीज देखी, वो गाड़ी मैंने इसको बेची थी और वो चोरी हो गई, और आज मैं ही वापस उसे लाकर दूंगा और उसके भी पैसे लूंगा। एक ही गाड़ी से डबल कमाई। सबसे पहले तो थोर को ढूंढना है। मुझे टोनी से पता चला कि वो स्कूल साइड के गया हुआ है। वो रहा थोर, और वो गाड़ी भी यहीं पर है यार। एक मिनट, यह खाली थोर नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग उस गाड़ी की फोटो ले रहे हैं, और अवेंजर की पूरी टीम भी है। पूरी तो नहीं मतलब बहुत सारे लोग हैं। अरे वाह थोर ये गाड़ी तो कमाल की है। अरे नहीं नहीं अब इतनी भी तारीफ मत करो, ये तो हमने अपनी मेहनत से कमाई है। ये भी गाड़ी तो हमारे पास है पनती, एकदम सेम टू सेम। थोर क्या प्लीज तुम मुझे इस गाड़ी में राइड करवाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें और वांडा दोनों को राइड करवाऊंगा। गाइस यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी फेक रहा है, और जरा देखो तो सही अभी ये गाड़ी में बैठ गया। कहाँ पर जा रहा है यार, वो गाड़ी मुझे चाहिए। गाइस ऐसे तो ये हाथ से निकल जाएगा, मुझे उसका पीछा करना होगा। थोर कब से चोर बन गया? ये काम बस इसने लोगों के सामने होशियारी मारने के लिए किया है, वरना इसको गाड़ी की क्या जरूरत। अब सवाल ये है कि ये जा कहाँ पर रहा है, क्योंकि मुझे तो वो गाड़ी चाहिए किसी भी हालत में। एक काम करता हूँ गाइस, क्यों ना मैं इसको कॉल कर दूं। जल्दी से फोन लगाता हूँ। हेलो थोर, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाया हुआ है, अगर तुम गाड़ी के अंदर हो तो तुरंत निकल जाओ, वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे यार मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, अभी निकलो। अच्छा ठीक है। गाइस जरा देखो तो सही, वो तो गाड़ी से निकल गया और सीधा उस साइड भाग रहा है। चलो यही मौका है अपने पास। जल्दी से गाड़ी को रोकता हूँ, हमें जाकर उस गाड़ी में बैठना है। गाइस कितनी प्यारी गाड़ी है, अब फटाफट बैठते हैं यार। क्या उल्लू बनाया मैंने थोर को? ये तो सामने खड़ा है, मुझे लगता है इसने हमें गाड़ी में बैठते हुए देख लिया। तेरी तो हट बाजू से, माफ कर देना भाई, थोड़ा समझ जाना प्लीज। अबे नहीं यार ये समझने के मूड में नहीं है गाइस। ओ भाई बिजली के झटके दे रहा है। गाइस मुझे इस गाड़ी को सेव करना होगा सबसे पहले, तो एक काम करता हूँ इसको यहीं पर पार्क कर देता हूँ और बाहर निकल के इसको बजा चकाता हूँ। ब्रेक तो मारे ही नहीं थे मैंने। ओ यार आ गया थोर। गाइस इसे कैसे भी करके बेहोश करना होगा। आप लोग देख रहे हो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारी गाड़ी चुराई है। मैंने तेरी गाड़ी नहीं चुराई, तूने साइमन की चुराई है, और ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा। ये ले अब यहाँ पर आ। गाइस इसको एकदम ऊपर से उठा के फेंकूंगा, इतना ऊपर ठीक है। अब जाते हैं नीचे, तू तो गया। अबे यार ये हवा में क्या कर रहा है? कोई नहीं हम लोग हार नहीं मानेंगे। ये ले झटका तो इसको लगाए, एक बार अगर और पड़ा ना ऐसा फिर तो ये गया। ये ले। अबे यार इसको कुछ हो नहीं रहा है, लगता है झटका देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर, अब तो ये गया। अबे यार ये ऊपर जाते ही मारना चालू कर देता है। गाइस मुझे लग रहा है बेहोश तो हो ही गया है। चलो अपना काम हो गया, अब जल्दी जल्दी जाते उस गाड़ी के पास इससे पहले कि ये वापस से जागे। जाकर बैठते गाड़ी में और निकलते सीधा यहाँ से। हमें जाना है सीधा साइमन के शॉप पर और जाकर उसे ये गाड़ी देनी है। वैसे इस बार हमें उसके नए गैराज पर जाना है, सॉरी डीलरशिप पर, कार डीलरशिप। चलो गाइस हम लोग पहुंच गए। ये जगह तो काफी बड़ी है यार, इसने भी बहुत पैसा कमा लिया है। देख साइमन मैं क्या लाया हूँ, तेरी प्यारी चमचमाती गाड़ी। अब जल्दी से मुझे मेरा इनाम दे, क्योंकि मैं पैसों का फिलहाल तो बहुत भूखा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है,
ये लो पूरे $2 मिलियन। अब जाओ यहाँ से, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतने ही पैसे थे। चल कोई बात नहीं, 2 मिलियन तो 2 मिलियन ही सही गाइस। जल्दी से जाके देखते हैं कि 2 मिलियन में कौन सा सूट है। यही पर खड़े हो जाता हूँ, ये खोला मैंने मार्केट और ये रहा $2 मिलियन वाला सूट। बाय। ओ भाई, ये सूट कमाल का है, काफी इविल लग रहा है। ये क्या, अचानक से मौसम बदल गया, चारों बाजू बर्फ जमा हो गई है गाइस। लगता है आइस टाइटन अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। हमें जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंच के उसे रोकना होगा। चलो कम से कम ये सूट उड़ तो सकता है, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। पूरा आइस टाइटन पर मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर 2-2 आइस टाइटन है। मुझे 2 साइड से पावर महसूस हो रही है, एक तो वह सामने से, एक या कहीं नीचे से। मेरी गलतफहमी तो नहीं है, जल्दी से जाके देखता हूँ। नहीं गाइस, वहाँ कोई तो खड़ा है। ओहो हो हो, ये तो छोटा वाला आइस टाइटन है। तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, बचोगे नहीं। तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे। ये तेरी गलतफहमी है भाई, मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ। और अब तो मुझ में पहले से बहुत ज्यादा पावर है, तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा मैं। तुम मुझे नहीं हरा सकते, उसके बाद तो मेरा बड़ा भाई भी बाकी है। ओह ओह बेटा, धमकी, छोटा है तो छोटे की तरह रहे। और ये ले, वाट लगी होगी उसकी। बोलना क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी हुल दे रहा था, सबका माइंड वॉश करेगा तू। मुझे हरा के ये मत समझो कि तुम जीत गए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई तुझे देख लेगा। अच्छा ऐसी बात है, अब मैं तुझे बताता हूँ तुझे कौन देखेगा। ये ले, पिघला के गाइस इधर ही मार दूंगा। और जरा देखो तो सही, ये तो पूरी तरीके से पिघल गया। गाइस अब बारी है उसके भाई को मारने की। इसको मार के हमें $5 मिलियन मिले, इससे तो हमारा अच्छा खासा सूट भी अपग्रेड हो जाएगा। पर सबसे पहले तो उसके पास जाता हूँ, वही पर जाके सूट अपग्रेड करते हैं। तो गाइस टाइम आ चुका है, ये कोला मैंने मार्केट, ये रहा 5 मिलियन वाला सूट। ओ भाई, हम लोग तो एक लावा टाइटन में बदल गए गाइस, अब तो ये नहीं बचेगा। ये तुम क्या कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इस शहर को खत्म कर दूंगा। उससे पहले तुझे मेरा सामना करना है बेटा, अब बताता हूँ तुझे। तो गाइस ये तो गया, ये ले, आप लोग देख रहे हो उसकी तो वाट लगा दी मैंने, इसमें आग लगना शुरू हो गई है, थोड़ी देर में ये भी पिघल जाएगा। फाइनली हमने उसे हरा ही दिया गाइस। और ये देखो मौसम भी ठीक हो गया। मुझे कुछ महसूस हो रहा है बहुत ही अजीब सा। ओ हम लोग तो नॉर्मल हो गए, पर कुछ ज्यादा ऊपर से गिर रहे हैं।